दोस्तों YouTube पर तीन नए अपडेट आए हैं। पहला अपडेट है AI पावर डबलिंग टूल्स। दोस्तों होता ये है इसमें कि मान लीजिए कि मेरी जो वीडियो है ये हिंदी में है और इसे इंग्लिश में भी आप देख सकते हो कन्वर्ट करके AI पावर के जरिए, और इससे क्या हुआ कि मल्टी लैंग्वेज जो है AI पावर में आएगा, मल्टी लैंग्वेज आएगा इसमें, मतलब अलग अलग देशों का अलग अलग भाषा इसमें जुड़ेगा। तो इससे ये होगा कि इंडिया का जो वीडियो है वो USA वाले भी देख सकते हैं और USA का जो वीडियो है वो हिंदी में कन्वर्ट कर इंडिया वाले भी देख सकते हैं, और काफ़ी देशों का भाषा भी जुड़ेगा, मतलब मल्टी लैंग्वेज इसमें जुड़ेगा। किसी देश का भी वीडियो आप हिंदी में करके देख सकते हो और हमारी भी वीडियो USA वाले इंग्लिश में कन्वर्ट करके देख सकते हैं AI पावर के जरिए। तो दोस्तों इससे फ़ायदा क्या है? फ़ायदा मान लीजिए कि ये वीडियो अगर मैं बना रहा हूँ हिंदी में बना रहा हूँ, अगर USA वाले देखते हैं ये वीडियो इंग्लिश में करके, तो फ़ायदा ये होगा कि जो इस वीडियो का है ना RPM ये हाई हो जाएगा, इस पर डॉलर जो है ना बहुत, मतलब बहुत पैसा आएगा, डॉलर अच्छा खासा बन जाएगा। तो ये होता है। और इंडिया में क्या होता है कि जो विज्ञापन जो एड चलता है ना उसका RPM बहुत कम होता है, मतलब वीडियो पर RPM बहुत कम देते हैं, वो विज्ञापन पर जो पैसा CPM जो देते हैं ना वो बहुत कम देते हैं और USA वाले कुछ ज़्यादा ही देते हैं। तो ये होता है कि ट्रैफिक की बात होता है कि आपका जो ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, USA से आ रहा है या इंडिया से आ रहा है। तो इससे ये फ़ायदा है कि अगर USA से आ रहा है तो आपका ज़्यादा डॉलर बनेगा। अभी इंडिया में आया नहीं है लेकिन जल्द ही आ जाएगा। और दोस्तों दूसरा अपडेट ये है कि आप अपनी वीडियो पर एक ही थंबनेल लगाते थे, आप तीन थंबनेल लगा सकते हो। तीन थंबनेल में YouTube मतलब देखेगा, तीनों थंबनेल जो है आपको आपकी वीडियो के आगे दिखाया जाएगा, जिसमें YouTube चेक करेगा कि वो चेक करेंगे कि किस थंबनेल पर क्लिक ज़्यादा आ रहा है, तो उसी हिसाब से आपको YouTube बताएगा कि CTR इस थंबनेल पर, मतलब इस पर ज़्यादा क्लिक आ रहा है, तो मतलब वीडियो का जो CTR है इस थंबनेल पर ज़्यादा CTR बढ़ रहा है, मतलब इस थंबनेल के जरिए ज़्यादा CTR इम्प्रेशन बढ़ रहा है। तो इससे ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि ये जो थंबनेल है ना ये अच्छा है, अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। और देखिए इसमें समय भी ख़राब होगा, समय ये ख़राब होगा कि आपको तीन थंबनेल बनाना है वो भी अलग अलग तरीके से। तो ये भी अपडेट अभी आया नहीं है लेकिन ये भी आएगा इंडिया में। और दोस्तों तीसरा अपडेट ये है, अपडेट तीसरा वाले में मान लीजिए कि हम ले लेते हैं खान सर, और खान सर वीडियो बनाते हैं, तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि एक चैनल खोल लेते हैं खान सर फैन खान सर के नाम पे क्लब वगैरह वगैरह ऐसे मतलब नाम दे देते हैं, और करीम नाइटी के ऊपर भी काफ़ी सारा नाम दे देते हैं कि करीम नाइटी का फैन है, उसके हिसाब से चैनल जोड़ देते हैं, चैनल बना लेते हैं और उन्हीं की वीडियो अपलोड करते हैं। वो तो कॉपीराइट देते नहीं ना ही स्ट्राइक देंगे, अगर देना चाहते हैं तो दे भी सकते हैं। तो अब यूट्यूब ने ये पॉलिसी में थोड़ा सा बदलाव किया है। बदलाव ये किया है कि आपको हैंडल पर है ना, हैंडल पर आपको अनऑफिशियल लिखना पड़ेगा कि ये जो है चैनल है अनऑफिशियल है, और उसके बाद आपको चैनल पर भी अलग नाम देना है, एक जैसा नहीं देना है, और थंबनेल में भी अलग बनाना है, मतलब उन्हीं का थंबनेल चुराना नहीं है। और उसके बाद क्या है कि कुछ न कुछ चीज़ें आपको चेंज करना पड़ेगा, अगर 21 अगस्त 2023 तक अगर आप नहीं करते हो तो आपका चैनल YouTube से हटा देगा। YouTube मतलब आपका चैनल जो है, कहते हैं तीन स्ट्राइक आने के बाद चैनल गायब हो जाता, लापता अदृश्य, वैसा ही आपका चैनल हो जाएगा, मतलब आपका चैनल रहेगा ही नहीं, ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये सारी अपडेट है, आपको मतलब हैंडल में चेंज करना पड़ेगा और जो चैनल का नाम भी आपको चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद लोगो भी चेंज कर देना, एक जैसा मत लगाना, और आपको लिखना भी पड़ेगा अनऑफिशियल चैनल है ये, किसी का भी हो उसके आगे पूरा ये डिटेल डालना पड़ेगा, तभी आपका चैनल बच पाएगा, नहीं तो आपका चैनल डिलीट होगा। बाकी के लिए इतना ही। जय हिंद।